हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी सर्किट चैनल। एंड गाइस, मई का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आने वाले जून का महीना। मई के महीने में स्मार्टफोन लॉन्चेस की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन वगैरह की वजह से यहां पर इतने कुछ खास स्मार्टफोन वगैरह लॉन्च नहीं हुए, तो जो मई के स्मार्टफोन है वो आपको जून में देखने को मिलेंगे। जो जून में लॉन्च होने वाले थे वो भी आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जून यहां पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए धमाकेदार कमबैक वाला महीना रहने वाला है। एंड बहुत सारे स्मार्टफोन हर एक ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से स्मार्टफोन रहेंगे, क्या कुछ आपको एग्जैक्टली में फीचर मिलेंगे, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आता है सैमसंग। सैमसंग में आपको 3 से 4 स्मार्टफोन जो है जून के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले। जो सबसे पहला स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट कंफर्म, आप पकड़ के चलो, सैमसंग गैलेक्सी F52 5G। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो करे थे, नहीं देखे तो जरूर से चेकआउट कर लेना। 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 750G है, 5G स्मार्टफोन है। इंडिया में बताया जा रही है मिड जून तक आपको देखने को मिल सकता है 22 से 23 हज़ार रुपए की प्राइस पॉइंट पे। जो दूसरा स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होगा वो आपका सैमसंग गैलेक्सी M62, वो भी बताया जा रहा है 5G रहने वाला है। बेसिकली जो F62 इंडिया में बिकता है उसी को रीब्रांड करके M62 के नाम से 5G, उसमें 5G मॉडेम डाल देंगे Exynos 9825 के साथ में। 5G वेरिएंट रहने वाला है F62 का, वो भी बताया जा रहा है अंडर 25,000 रुपीस की रेंज में आपको इंडियन मार्केट्स में मिलेगा। एज वेल एज सैमसंग A52 का जो 5G वेरिएंट है वो भी बताया जा रहा है जून के एंड तक के आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। वहां पर भी आपको स्नैपड्रैगन का 750G 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, वो अराउंड आपको 30,000 रुपीस के आसपास देखने को मिल सकता है। एज वेल एज जो सैमसंग के बजट वाले ए सीरीज के रहते हैं A22S एंड M22S वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो जून के महीने में डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्मार्टफोन जो है सैमसंग की तरफ से इंडिया में देखने को मिलने वाले। वैसे आप इसमें से कौन से सैमसंग के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स ने कमबैक इन ब्रांड के साथ में बहुत ही धमाकेदार करा है। अब एक और एक नया स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स जो है जून के महीने में इंडिया में लॉन्च करेगा इन ब्रांडिंग के साथ में। एंड ये डिवाइस का नाम रहने वाला है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो। जी हां, इन नोट 1 का सक्सेसर आप इसे कह सकते हो। ये बार बताया जा रहा है डिजाइन वगैरह में थोड़ा इंप्रूवमेंट करा जाएगा, एज वेल एज 90Hz रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। मीडियाटेक का हीलियो G95 का चिपसेट बताया जा रहा है। बड़ी बैटरी रहेगी एंड क्लीन इंटरफेस और स्टॉक एंड्रॉइड लाइक एक्सपीरियंस तो आपको यहां पर माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन पे मिलता ही है बिना कोई ऐड के। एंड बताया जा रहा है यहां पर ये स्मार्टफोन जो है 13 से 14 हज़ार रुपए की प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च सकता है। अब देखते हैं माइक्रोमैक्स एग्जैक्टली में यहां पर क्या कुछ डिजाइन लाता है, कैसा कुछ यहां पर प्राइसिंग रखता है। वैसे जब जून के महीने में लॉन्च होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है IQ। IQ ने रिसेंटली अपनी IQ 7 सीरीज इंडिया में लॉन्च करी थी। लिटरली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा सेल भी और आप कह सकते हो। एंड IQ जो है प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में एक और एक 5G स्मार्टफोन इंडिया में जून के महीने में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहां पर IQ Z3। ऑलरेडी चाइना में यहां पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, काफी जबरदस्त है। 120Hz रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है, एज वेल एज स्नैपड्रैगन का 768G वाला 5G चिपसेट देखने को मिलता है। 55W की फास्ट चार्जिंग एंड कैमरास वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, इंडियन मार्केट्स में बताया जा रहा है 22 से 23 हज़ार रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप IQ के कोई स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे 22 से 23 हज़ार रुपए में 5G स्मार्टफोन, तगड़ा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली IQ Z3 स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। कुछ ही टाइम में यहां पर इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है Xiaomi Redmi MI। तीनों एक ही है बेसिकली, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। Xiaomi ने रिसेंटली अपनी Redmi Note 10 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करे थे जो कि काफी जबरदस्त थे। अब जो जून का महीना है Xiaomi के लिए बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन तो लॉन्च नहीं होने वाले, लेकिन जो भी लॉन्च होने वाले वो भी काफी तगड़े बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन रहेंगे। बताया जा रहा है जून के महीने में आपको Redmi 10, Redmi 10 पावर, Redmi 10A ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज Redmi Note 10 5G जो है वो भी आपको इंडिया में Dimensity 700 5G के साथ में देखने को मिल सकते हैं अंडर 15,000 रुपीस की प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपको Redmi की नंबर सीरीज या बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन का 10 वाली सीरीज का यहां पर वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वेट करना तो बनता है। अगर आपका 10 से 12,000 रुपए का बजट है तो मैं बोलूंगा वेट करो, Xiaomi के आपको बहुत ही धमाकेदार बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन जून के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये Xiaomi का कजिन भाई है जिसका नाम है Poco। Poco के बताया जा रहा है दो स्मार्टफोन आपका
इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलने वाले। जो पहला स्मार्टफोन है वो तो 110% कंफर्म है कि जून के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर पोको M3 Pro 5G। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ था, प्राइस पॉइंट जबरदस्त है। ग्लोबल मार्केट्स में अर्ली बर्ड सेल में 14,000 रुपए का मिल रहा है, तो इंडिया में भी उसके आसपास ही देखने को मिलेगा। एंड डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट, डुअल 5G का सपोर्ट, बैटरी लाइफ बड़ी देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले वगैरह डिसेंट इनफ है। तो अगर आप बजट 5G अगर आपको चाहिए था पोको ब्रांडिंग के अंदर, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। दूसरे पोको के स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले रेडमी का K40 गेमिंग गेम एनहांस एडिशन करके जो है चाइना मार्केट्स में लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ में। बताया जा रहा है इंडियन मार्केट्स में वो पोको F3 GT के नाम से देखने को मिल सकता है, एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 25,000 to 30,000 रुपीज के बीच में। डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले, तो काफी तगड़े स्मार्टफोन है। तो पोको भी यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन जो है जून के महीने में आपको लॉन्च करके देने वाले। वैसे गाइस आप ये दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाओ। तो गाइस नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है रियलमी। एंड आप सभी को पता है रियलमी हर महीने आपको बहुत सारे जो है स्मार्टफोन लॉन्च करके देता है, चाहे वो इंडिया की बात करो ग्लोबल मार्केट्स की बात करो। इंडिया में जून के महीने में रियलमी के आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले। जो पहला स्मार्टफोन है वो तो रियलमी ने टीस करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर रियलमी X7 मैक्स। इसके ऊपर भी मैंने कल ही वीडियो दिया था, नहीं देखे तो आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली जो चाइना में रियलमी GT न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 1200 चिपसेट वगैरह के साथ में, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले वगैरह, काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है। इंडिया में बताया जा रहा है लाइक अराउंड 28,000 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं रियलमी क्या प्राइस पॉइंट रखता है। वैसे जो दूसरा स्मार्टफोन है वो रियलमी GT स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, वो भी बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कई जगह से हिंट मिली थी इंडिया लॉन्च को लेके, एंड वो बताया जा रहा है 32,000 to 35,000 रुपीज के बीच में चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 888 वाला फोन इंडिया में बन सकता है, वो भी बताया जा रहा है जून में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो रियलमी की नार्जो 30 सीरीज के बारे में आप सभी को पता होगा। प्रो 5G और 30A जो है पहले ही लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन जो नार्जो 30 4G और नार्जो 30 5G ये भी बताया जा रहा है जून के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी कुछ एशियन कंट्रीज में लॉन्च हो चुके हैं, तो वही सेम स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाले, वो भी अराउंड 12,000 to 13,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। एज वेल एज रियलमी की सी सीरीज में भी आपको कुछ स्नैपड्रैगन वाले एडिशन वाले जो फोन देखने को मिलने वाले। तो बेसिकली रियलमी मतलब बहुत सारे स्मार्टफोन जो है अपनी बारिश करने वाले इंडियन मार्केट्स में जून के महीने में। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे भी बताया जा रहा है ये बार रियलमी कमबैक करने वाला है। अब देखते हैं एग्जैक्टली में रियलमी यहां पर क्या कुछ लाता है, क्या प्राइस पॉइंट पे लाता है, वैसे आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस नेक्स्ट ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है ओप्पो। ओप्पो की रेनो 6 सीरीज इंडिया में बताया जा रहा है जून के एंड में लॉन्च होने वाली है। रेनो 6 रहने वाला है, रेनो 6 प्रो रहने वाला है, रेनो 6 प्रो प्लस रहने वाला है, और जो प्रो प्लस टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट रहेगा उसमें बताया जा रहा है डायमेंसिटी 1200 5G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले रहेगा, डिजाइन अच्छा रहने वाला है, डिस्प्ले अच्छा रहने वाला है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो काफी तगड़ा स्मार्टफोन रहने वाला है। इंडिया में बताया जा रहा है वो स्मार्टफोन लाइक अराउंड आपको 30 to 35,000 रुपीज के बीच में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ओप्पो रेनो सीरीज की डिजाइन, सेल्फी कैमरा, ये सारी चीजें चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। अभी जून के एंड में बताया जा रहा है स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है वीवो। Vivo V21 के बारे में तो आप सभी को पता होगा, सेल्फी में OIS वगैरह देखने को मिला था, उसी का छोटा भाई Vivo V21 SE नाम का स्मार्टफोन जो है बताया जा रहा है जून के महीने में ऑफलाइन मार्केट के लिए यहां पर लॉन्च करा जाएगा, एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 20 to 22,000 रुपीस के आसपास मिलेगा। यहां पर भी बताया जा रहा है आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, एज वेल एज जो Vivo V20 रहने वाला है उसी को बताया जा रहा है रीब्रांड करके कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के यहां पर यह स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले। 720G वगैरह का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सेल्फी कैमरे के बहुत बड़े फैन हो एंड आपको Vivo की डिजाइन वगैरह अच्छी लगती है एंड Vivo V21 सीरीज में स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। जून के महीने में आपको सारे ऑफलाइन स्टोर में यहां पर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है Motorola। Motorola ने रिसेंटली यहां पर जो G सीरीज में G40 फ्यूजन और G60 लॉन्च करे थे, काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे यहां पर स्मार्टफोन को लॉन्च करे थे। एंड आपको बता दूं Motorola Edge S नाम का डिवाइस कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च हुआ था 20,000 रुपए में, Motorola ने सारी चीजें दे दिए थे। इंडिया में वो स्मार्टफोन जो है Moto G100 के नाम से जो है जून के महीने में आपको देखने को मिलेगा। Snapdragon 870 देखने को मिलेगा,
UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, कैमरास वगैरह काफी अच्छे रहने वाले, डिजाइन काफी जबरदस्त है। तो अगर आपको वेट करना है तो डेफिनेटली स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में बताया जा रहा है अराउंड 25,000 रुपीज के अंदर की प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन मिलेगा। तो अगर आप स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में कोई पावरफुल फोन चाहिए एंड 25,000 रुपए के आसपास का बजट है तो डेफिनेटली स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रांड का नाम है Asus। बहुत टाइम बाद यहां पर जो है Zenfone सीरीज में आप बोल सकते हो कमबैक करने वाला है इंडियन मार्केट्स में। दो स्मार्टफोन जो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए थे, Asus Zenfone 8 और Zenfone 8 Flip, ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले, बेसिकली ये मई में लॉन्च होने वाले थे बट बिकॉज ऑफ कोविड और जो पेंडेमिक यहां पर चल रहा है उसकी वजह से जो इन्होंने जून पे जो है रीशेड्यूल कर दिए। एंड आपको बता दूं जो Zenfone 8 है वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, Snapdragon 888 का चिपसेट है, अच्छे कैमरास है, डिजाइन वगैरह अच्छा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। जबकि जो आपका Zenfone 8 Flip स्मार्टफोन है, पहले जो Zenfone 7 में आया था वही बैक कैमरा जो फ्लिप होके फ्रंट बन जाता है वैसा कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। वहां पर आपको 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, वही Snapdragon 888 वगैरह मिलता है। तो अगर आप ये स्मार्टफोन को लेके इंटरेस्टेड हो Asus के, आपको जो बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजें अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इसका भी इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। लेकिन ये एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता ये लॉन्च होंगे, ये मतलब यूरोपियन प्राइस पॉइंट या ग्लोबल प्राइस पॉइंट की बात करें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लॉन्च हुए, 60,000-70,000 रुपए के आसपास। इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत प्राइस पॉइंट आप समझ सकते हो क्या थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा कम नहीं होने वाले। तो अगर आपको थोड़ा प्रीमियम टाइप के स्मार्टफोन चाहिए था, फ्लिप वाली टेक्नोलॉजी अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। तो गाइस ये यहां पर धमाकेदार अपकमिंग स्मार्टफोन्स थे जो कि आपको जून 2021 में इंडिया में देखने को मिलने वाले। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको जितने भी स्मार्टफोन बताया पर्सनली आप कौन से स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड हो, आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है वो स्मार्टफोन के साथ में, चाहे वो प्राइस पॉइंट की बात करो या स्पेसिफिकेशन की बात करो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तब तक किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।